हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका रवि सर। देखिए, हम आपको जो ये टेंथ की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं भैया, इस टेंथ की केमिस्ट्री का जो चैप्टर आपका चल रहा है जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक लवण जो चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, मैंने सिलेबस के बारे में आपको बताया कि आपके यहाँ कितने चैप्टर्स हैं और कितने चैप्टर्स आपको क्या करना है, पढ़ना है, और आपकी पूरी केमिस्ट्री में कितने मार्क्स क्या हुआ करते हैं, ऑब्टेंड करने होते हैं आपको साइंस सब्जेक्ट में, जान लीजिएगा। तो उसका भी मैंने एक आपके लिए बनाया हुआ है लेक्चर्स, उसको आप ज़रूर देखें। तो आज हम इस तरीके से अगर हमारा पूरा देखेंगे अम्ल क्षारक और लवण वाला जो पूरा टॉपिक था उसमें अगर आप शुरू से एक तरीके से बात करेंगे, तो मैंने पहले अम्ल बताया था, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल की परिभाषा, फिर क्षारक क्या होते हैं, क्षारक की कितनी परिभाषाएं हुआ करती हैं, क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या हुआ करती है, फिर उसके बाद सूचक क्या होते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, उनका अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग क्या होता है, फिर लवण किसे कहा किया करते हैं, लवण कितने प्रकार के हुआ करते हैं, इन सब की डिफिनेशन और मैंने एग्जाम्पल्स भी बताया आपको, और लवण के बाद फिर मैंने अम्ल का भौतिक गुण और रासायनिक गुण आपको बताया, फिर क्षारक का भौतिक एवं रासायनिक गुण आपको मैंने बताया, और उसके बाद जब क्षारक के भौतिक एवं रासायनिक गुण समाप्त हो गए तो फिर हमने क्या किया, कुछ अकार्बनिक जो सॉल्ट थे उसका एग्जाम्पल्स लिया। अकार्बनिक सॉल्ट में मैंने सबसे पहले आपको सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा के बारे में पूरा एक डिटेल आपको मैंने वीडियो के रूप में दिया, लेक्चर के रूप में, जिसमें प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उसका यूजेस आपको क्या किया गया, बताया गया। उसी तरीके से आपको मैंने फिर दूसरा कंपाउंड उठाया जिसका नाम था सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा, उसके बारे में भी आपको पूरा मैंने डिटेल दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद फिर आया ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर भी आपने क्या किया, पूरा डिटेल के रूप में पढ़ा यहाँ पे, और उसके बाद लास्ट में मैंने क्या किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है वो आपसे उपयोग पूछा जाता है कि जो पीओपी हुआ करता है इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या हुआ करता है उपयोग, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे इसको हमने बताया। तो ये हमारा आपका जो सफर था सेकेंड चैप्टर का, ये यहाँ से तो क्या हुआ करता है, पूरा हुआ करता है। तो इस चैप्टर के हम आज आपको क्या कर रहे हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको और हल करा दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोग अपनी प्रॉब्लम जो होगा अपनी बुक से क्रिएट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और जहाँ पे भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी फिर हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, हम कुछ क्वेश्चन लिया करते हैं जिसमें से आज हम एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत चालन नहीं करता है जबकि वर्षा का जल कर सकता है, क्यों? ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं कर सकता है जबकि वर्षा का जल करता है, क्यों? ये एक आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्या है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपसे कह क्या रहा है कि जो आश्रित जल होता है वो विद्युत का चालन नहीं कर सकता है जबकि वर्षा का जल क्या कर सकता है, विद्युत का चालन कर सकता है, क्यों? इसका आपको जवाब देना है। तो सबसे पहली चीज आपको हम एकदम सीधा सीधा बताते हैं कि जो डिस्टिल वाटर होता है उदासीन जल, वही आपका जो हुआ करता है, मैंने आपको बताया कि जो आश्रित जल होता है, आश्रित जल मतलब जानते होंगे आप लोग, जैसे आप पानी को गर्म कर दीजिए तो फिर पानी जो होता है वो आपका कोई उसमें स्वाद नहीं, उबाल दीजिए, उबाल देने के बाद जो हुआ करता है फिर उसमें कोई किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं रह जाता, इसलिए जो शुद्ध पानी होता है, जल होता है, उसी को डिस्टिल वाटर कहते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा जब इंजेक्शन दिया जाता है तो कुछ जो पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन होते हैं तो उसको एक लिक्विड मटेरियल, लिक्विड वाटर होता है, उसको डिस्टिल वाटर कहते हैं।
उसमें क्या किया जाता है, उसको पहले डिसॉल्व किया जाता है तब इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। तो जो डिस्टिल वाटर हुआ करता है एकदम सीधी सी बात होती है कि वह उदासीन होता है। इसीलिए तो मैंने कहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ करता है कि जो शुद्ध जल हुआ करता है वह उदासीन, मतलब अशुद्ध जल जो होता है वह उदासीन होता है। और उदासीन होने का मतलब क्या होता है कि उसमें किसी भी प्रकार के आयंस नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जब आयन नहीं होगा, ना उसमें धन आयन है और ना ही ऋण आयन है, तो वो क्या करेगा, विद्युत धारा को ले जाने का काम ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसमें से क्या होता है, विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। जबकि जो वर्षा का जल होता है, कल हमने आपको बताया था कि वर्षा का जल जो जल होता है उसका नेचर कैसा होता है, अम्लीय होता है। और वर्षा का जल का नेचर अगर अम्लीय होगा तो उसमें कौन होंगे, हाइड्रोजन आयन। भाई अम्लीय नेचर किसके कारण होता है, हाइड्रोजन। जितना हाइड्रोजन आयन का मात्रा बढ़ती जाएगी उतना ही जान लीजिए अम्लीयता बढ़ती जाती है। ये बात दिमाग में रख लीजिए, जैसे आप देखते ही हो हाइड्रोजन आयन है ये 10^-6, फिर 10^-5, तो ये बढ़ता चला जा रहा है, जान लीजिएगा। अरे 10^-6, 10^-5 में कौन बढ़ा है, 10^-5। तो यहां पे इसका एकदम सीधा सीधा सा जवाब मैं आपको दे दिया क्या, कि जो अशुद्ध जल हुआ करता है वो विद्युत उदासीन होता है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, आता हुआ विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकता है। जबकि जो वर्षा का जल होता है वो अम्लीय होता है और उसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, और उसी हाइड्रोजन आयन के कारण क्या कर सकता है, वो विद्युत धारा का चालन कर सकता है। तो इसका क्या है, ये आपका जवाब है। चलिए आंसर दे रहा हूं, आंसर आश्रित जल डिस्टिल्ड वाटर विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है जिसमें आयंस अनुपस्थित होते हैं या एच आयन नहीं होते हैं, कह सकते हो जिसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं होते हैं। भाई इलेक्ट्रिक को ले जाने के लिए आयन भी तो होना चाहिए, आता हुआ यह विद्युत का चालन नहीं कर सकता है, जवाब है इसका क्रॉस एकदम। फिर आगे, जबकि लाइन चेंज क्योंकि मैटर चेंज, जबकि वर्षा का जल, ये चीज अंडरलाइन करने लायक है, कैसा होता है, अम्लीय होता है। जबकि वर्षा का जल कैसे होता है, अम्लीय होता है, अतः इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, अतः इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं जो या जिसके कारण यह विद्युत धारा का चालन कर सकता है। जिसके कारण यह विद्युत धारा का चालन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हमारे पास है, उस चीज को आप लोग ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन तो बहुत है एनसीईआरटी में, आप इसको केवल हल करने का प्रयास कीजिए तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। क्वेश्चन एक है एनसीईआरटी का, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। अभी ऐसे ओरली समझाना हो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक समय में हल किए जा सकते हैं। दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है, दही बन जाने पर
पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है? चलिए, सब लोग जानते हो दूध एक पूर्ण आहार होता है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में विटामिन सी अनुपस्थित हुआ करता है, और दूध को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम हुआ करता है वो आपका कौन सा होता है? रेनिन एंजाइम हुआ करता है। और जो दूध हुआ करता है इसकी शुद्धता को किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध जो हुआ करता है जब दूध की लैक्टोज शर्करा किससे बदल जाती है? लैक्टिक अम्ल में, तो दूध का स्वाद कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। अर्थात जब दूध दही में बदलता है तो जो लैक्टोज शर्करा होती है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है, और इस लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलने का कारण कौन होता है जानते हो आपका? वो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दूध में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, वो दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, इसीलिए दूध को हमेशा उबाल करके रखा जाता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बता दे रहे हैं, क्या हुआ करता है? दही का पीएच मान 6 से कम होता है क्योंकि दूध की तुलना में दही अधिक अम्ली होता है। आंसर, दही का पीएच मान आंसर है, जान लीजिएगा, 6 से कह रहा है ना, दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? दही का पीएच मान 6 से कम होता है क्योंकि भाई 6 है तब भी अम्लीय है, लेकिन जब आपका दही बन जाता है तो और अम्लीय हो जाता है, क्योंकि दही की अम्लीयता एसिडिटी दूध से अधिक होती है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के बुक में है, आप इसको देख सकते हैं, वहां से मैं पढ़ दे रहा हूं, आप समझ लेंगे इसको। NaOH के 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन को पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के विलयन को 20 मिलीलीटर ले लें तो उदासीन करने के लिए कितने HCl की आवश्यकता होगी? ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबके पास बुकें हैं, आप बुकों में से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, वहां से हम आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल हो जाए, जान लीजिएगा, नहीं तो आप इसी ही केवल 2-3-4 क्वेश्चन पढ़ पाओगे बस केवल। तो जो ये क्वेश्चन है NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन को पूर्णतः उदासीन हो जाता है, और फिर कह रहा है NaOH उसी विलयन को 20 मिलीलीटर कर दिया जाए, तो आप बताइए कि HCl कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी? ये एक प्रकार का आपका क्वेश्चन है, इस चीज को आप देखने का प्रयास कीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूं, क्वेश्चन आप लिख करके आंसर आप बड़े आराम से लिख सकते हो। आंसर तो इसका होगा, देखिए NaOH लिया गया है और ये क्षारक है, और इसको उदासीन करने के लिए देखिए कंडीशन है, पहले NaOH जो लिया गया था तो वो 10 ml लिया गया था, कितना लिया गया था? 10 ml। तो ये उदासीन कितने द्वारा हो जाया किया करता था? 8 मिलीलीटर HCl के द्वारा। भाई 10 ml लिया गया था तो ये 8 मिलीलीटर HCl द्वारा उदासीन हो जाता था। अब ये कह रहा है कि यदि उसी विलयन में 20, यदि हम NaOH के उसी विलयन को आप 20 मिलीलीटर ले लें, अब मतलब इसका हम 20 ml ले लें, तो इसकी कितनी आवश्यकता होगी? देखिए ये जस्ट 2 गुना कर दिया गया है, 10 ये था, अब ये 20 था हो गया है, तो एकदम सीधी सी बात है कि अगर ये 2 गुना हो गया तो इसको भी आप 2 गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा 16 मिलीलीटर। यही इसका आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये आपको देखिए, अब इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन आपको क्या कर देंगे हम? हल करा देंगे या प्रिपेयर करा देंगे। एक क्वेश्चन है, धातु अम्ल से क्रिया करके या धातु अम्ल की क्रिया से रासायनिक समीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो आपको मैंने बताया था कोई
कोई भी धातु हुआ करती है, जैसे ये मान लीजिए आपकी जिंक होती है, धातुएं जब अम्ल से क्रिया करती हैं, तो मैंने बताया था धातु अम्ल से क्रिया करती है तो सॉल्ट बनता है, और कौन सी गैस बाहर होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। ये उस क्वेश्चन का क्या है, ये जवाब है। धातुएं जब अम्ल से क्रिया करती हैं, ये हो गई आपकी धातु और ये क्या हो गया आपका अम्ल, और जब भी ये अम्ल से क्रिया करती हैं कोई भी धातुएं, तो कौन सी गैस बाहर करती है, हाइड्रोजन गैस बाहर करती है। ये क्वेश्चन है, जान लीजिएगा। एक क्वेश्चन है आपका, सूचक किसे कहते हैं, इसको आप पढ़े हुए हो। प्रति अम्ल किसे कहते हैं, जान लीजिएगा। तो प्रति अम्ल किसे कहते हैं, मैं इसका आंसर आपको लिखा दे रहा हूं। जो जो चीजें आपको बता रहा हूं, इसको आप कॉपी में विधिवत तरीके से नोट्स करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है प्रति अम्ल किसे कहते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, प्रति अम्ल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है, ये जान लीजिएगा। तो आपको बताए थे पहले भी और फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एकदम सीधी सीधी सी बात हुआ करती है कि प्रति अम्ल का मतलब यही हुआ करता है कि जैसे आप जानते हो कि हमारे बायोलॉजी का कुछ टर्म है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, कि जैसे ही आप लोग क्या किया करते हो कि भोजन ग्रहण करते हो, तो जब हमारे आमाशय में भोजन जाता है, तो आमाशय में भोजन का जो माध्यम होता है वो किस माध्यम में पाचन होता है, अम्लीय माध्यम में होता है, आपको मालूम है, विकास ड्यू टू सीक्रेटेड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन टू द आपकी जो जठर ग्रंथियां होती हैं, उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रवण होता है। तो कभी कभी कुछ व्यक्तियों में क्या होता है कि एसिडिटी आ जाती है, जो व्यक्ति जिसके अंदर एसिडिटी आ जाती है, तो हमको बहुत याद कहने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, डकार आ रही है गैस, तो इस कंडीशन में क्या हुआ करता है, कुछ हम औषधियों का प्रयोग करते हैं, तो जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, प्रति अम्ल कहा किया करते हैं, या एंटासिड कहा किया करते हैं। तो इसका जो जवाब होगा, जान लीजिएगा, आंसर है आपका, मैं आपको बता दिया हूं, जान लीजिए, फिर से आंसर बता रहा हूं, अम्लीयता से परेशान व्यक्ति, जो जिसको एसिडिटी हो गई है, अम्लीयता से परेशान व्यक्ति जिन औषधियों का उपयोग करता है, जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है या उपयोग करता है, प्रति अम्ल औषधि कहलाती है, ये क्वेश्चन का जवाब हो गया। अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी से परेशान है, तो एसिडिटी से परेशान जो व्यक्ति हुआ करता है, वो जो आपका हुआ करता है, वो आपका कौन सी, जिन प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया करता है, उसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं भैया, प्रति अम्ल औषधियां कहा किया करते हैं। अब फिर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से है, इसको समझिए, इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा, क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, क्वेश्चन, क्या, आई होप पूरी बातें क्लियर हो रही होंगी, क्षारीय विलयन में, ये इसलिए कह रहा हूं आप लोग लिख लिया करो इसको, हाइड्रोजन आयन, तो ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, उपस्थित होते हैं, ये क्वेश्चन है, अगर हां तो यह क्षारीय क्यों होता है, अगर हां तो यह क्षारीय क्यों होता है, ये क्वेश्चन है, क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो यह क्षारीय, अगर हां तो यह क्षारीय क्यों होता है, तो
इस चीज का आपको हम क्या कर रहे हैं जवाब दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, इसका जवाब यही एकदम फिर इसी बात जिसने कहा क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, तो हाँ कह दो हाँ होते हैं, क्षारीय विलयन में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं। आपने निकाला नहीं था क्या, देखिए यहाँ पे यह आयन बराबर अगर निकालते हो 10 × 10⁻³ तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन आयन का तो ईमान है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज इसमें यह हुआ करती है कि जब इसमें हाइड्रोजन आयन है तो ये क्षारीय क्यों होता है, तो इसका जवाब मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, इसका जवाब ये होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होती है और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। जब हाइड्रोजन आयन की संख्या कम हो गई है और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या ज्यादा हो गई है तो उसीलिए उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारीय होती है। इसका सीधा सीधा जवाब आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन यहां पे आंसर, क्षारीय विलयन में जब चैप्टर समाप्त हुआ करे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने के लिए तैयार रहा करो। क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, पहली बात बता दिया, किंतु हाइड्रोजन आयनों की संख्या, ऐसे लिखो, किंतु हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या हाइड्रोजन आयनों से अधिक होती है, अतः इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, अतः इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ये क्वेश्चन का जवाब हो गया। और क्वेश्चन है राजू, जैसे कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम का कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन है ये, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम का कौन सा यौगिक प्रयोग में लाया जाता है। तो मैंने बताया था कि कठोर जल को मृदु करने के लिए कौन सा लाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। आप क्वेश्चन पहले लिख लिया करेंगे, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम होगा उसका, सोडियम कार्बोनेट। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हमारे पास बहुत जान लीजिए अधिकताएं हैं, आपकी सब एनसीईआरटी के बुक के ही क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे स्क्रीन ले लिया है सबकी फोटो। अब उसके बाद देखिए इसमें और जो इंपॉर्टेंट है वही हम क्या कर दे रहे हैं, आपको हल करा दे रहे हैं, इसको आप समझ के ध्यान दीजिएगा। तो अब आपके पास एक आध क्वेश्चन और हम देख लिया करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे जो क्वेश्चन है उसको हम बता दे रहे हैं आपको कि ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चालन करता है, एक क्वेश्चन ये भी है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, क्वेश्चन सुनिए पहले, अम्ल का जलीय विलयन जो होता है विद्युत का चालन क्यों करता है। तो आपको एकदम सीधा सीधा सा निर्माण करना बताना है कि जो अम्ल होता है यह जलीय विलयन में कौन, हाइड्रोजन आयन, मतलब आयनों का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, और जब आयन्स बन जाते हैं तो इससे क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, जान लीजिएगा। तो यहां क्वेश्चन है आपका, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन क्यों कर सकता है, आंसर,
आंसर यही है कि जो अम्ल हुआ करता है इसके जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। धनायन यरणायन अभी आपका सीएल है, इसको आप जलीय विलयन में तोड़ते हो तो ये एच प्लस और ये सीएल माइनस में टूट जाता है, तो ये तो धनायन हो गया और ऋणायन हो गया। और जब धनायन और ऋणायन है तो ये क्या है, प्रकार के आयन। आयन किसे कहते हैं, जिस पर आवेश होता है, ये जान लीजिएगा। तो आयंस जो हुआ करते हैं यही आयंस क्या करते हैं, जैसे धनायन है तो ये आपके ऋणायन को लेकर चल देता है और ऋणायन है तो उससे धनायन जुड़ जाते हैं। बिना पॉजिटिव और नेगेटिव के करंट का फ्लो नहीं होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो थोड़ा बहुत, तो आप घर पे यूज कर रहे हैं अच्छी तरीके से उन चीजों को। तो आपको ये बता रहे, ध्यान दीजिएगा कि अम्ल के क्वेश्चन है, ये अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या कह सकते हो आयन, बस केवल लिखो आयन, अब चाहे उसमें धन आयन कहो एवं फिर क्या ऋण आयन, अम्ल के जलीय विलयन में धन आयन एवं ऋण आयन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं जिसके कारण यह विद्युत धारा का चालन कर सकता है, जिसके कारण यह विद्युत धारा का चालन कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मेरी थॉट्स है उसको मैं आपको बता रहा हूं। ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम क्या है, मैंने बताया है बिरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रचलित नाम है वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम क्या है, बिरंजक चूर्ण हुआ करता है, जान लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आपको और हल करा दिया करते हैं, जान लीजिएगा कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अब आप लोग जान लीजिएगा, अपने हिसाब से इसको हल करिएगा, जो हमारे से हो सक चुका है उसको हम आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं, आपको बढ़िया सा बढ़िया बनाने का प्रयास किया जा रहा है बस हमारी तरफ से। क्वेश्चन है राजू, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ, दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्वेश्चन यही है। चलिए, पीतल एवं तांबे में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, चलिए अब आप बताइए पीतल और तांबा क्या है, ये सब क्या प्रकार की हैं, धातुएं हैं। तांबा क्या है, धातु है, आप देखिए तांबे का तार लगाया जाता है, और दही क्या है और खट्टे अम्ल क्या होते हैं आपको मालूम है। तो जो अम्ल हुआ करता है मैंने बताया है वो धातुओं से अभिक्रिया कर लेता है, आप जानते हो अम्ल, हमने बताया था अम्ल जो होता है ये जैसे ये धातु है मान लीजिए, ये अभिक्रिया करता है इससे। तो जो एकदम सीधी सीधी सी बात होती है, दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल उपस्थित होते हैं, दही एवं खट्टे पदार्थ में क्या होते हैं, अम्ल उपस्थित होते हैं, और जब उन्हें हम धातुओं के बने बर्तन पीतल या तांबे में रख देते हैं तो वह उनसे अभिक्रिया कर लेते हैं, उनसे क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, और जिसके कारण फिर क्या होता है, वो आपका पात्र खराब होने लगता है, इसीलिए इनको उस पात्र के अंदर रखा नहीं जाता है, ये इसका आंसर है, आप जान लीजिएगा। तो इसका जवाब मैं बता ही दिया हूं लेकिन अब लिख दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा,
दही एवं खट्टे पदार्थ में क्या उपस्थित होते हैं? अम्ल, अंडरलाइन करके, अम्ल उपस्थित होते हैं जो पीतल एक मिश्र धातु है, इसमें कई धातुएं होती हैं, पीतल एवं तांबे, कॉपर जैसी धातुओं से क्रिया करते हैं। कौन? अम्ल। अतः इन्हें ऐसे पात्र में नहीं रखना चाहिए। अतः इन्हें ऐसे पात्र में क्या है? नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से माय डियर हमने आपको क्या किया, जो सेकेंड लेसन था आपकी केमिस्ट्री का जिसका नाम था अम्ल क्षारक एवं लवण, उसका हमने क्या किया, आपको पूरा एक यूनिक टाइप का क्या किया, हमने आपको एक लेक्चर इसका क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। तो आप इसे अच्छी तरीके से क्या करें, देखें और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं और इसे सॉल्व करें। और मैं आप लोगों से एक चीज़ आज बताने जा रहा हूँ जो एक तरीके से जान लीजिए आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपका भी कुछ कर्तव्य है, आपका बस कर्तव्य इतना ही है, चाहे मेरा इसे आप आदेश मान लीजिए, चाहे इसको मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए या मेरा अनुरोध कह लीजिएगा। अगर आप और हमारे बीच में कुछ ऐसा है जिसके कारण आपको ऐसा लगे कि हमारी बातें आपको मानना चाहिए, तो आप जब पर डे कॉपी में इसको एक बार देखते हैं पूरे लेक्चर को, पूरी मोबाइल्स में आप यूट्यूब पर देखने के बाद आप इसकी एक साफ स्वच्छ नोट्स बना रहे हैं पर डे, तो मैं आपको एकदम सीधा सीधा सा आपको बताता हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छा कार्य करना है तो सभी व्यक्ति के जीवन में जैसे एक निश्चित आप प्रकृति को देखते हो, सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, उपग्रह है, नदी है, सबका एक नियम हुआ करता है। आपके परिवार में आपके माता हैं, पिता हैं, सब हैं, एक सब अपने नियमावली से बंधे हैं, उनका अलग अलग एक कार्य हुआ करता है। तो आप भी अभी जिस जीवन पे हो आपका वो जीवन है स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ में सीधा सा एक कर्तव्य हुआ करता है कि आप अपनी इस लाइफ में जितना ज़्यादा हो सके एजुकेशन को ग्रहण कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि हम एजुकेशन को रिसीव कर सकें, अचीव कर सकें। और यही हमारा एम होता है, यही हमारा टारगेट होता है, ये भी जान लीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि आप एक निश्चित टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में क्या कीजिए, इसको आप धारित कीजिए और अपने टाइम टेबल में हर सब्जेक्ट के साथ साथ आप हिंदी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सब सब्जेक्ट जैसे आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पर डे आधा घंटा, मैं ज़्यादा नहीं मांगता हूँ, जितना मैं पढ़ाता हूँ उसी को ही केवल शाम को या किसी मॉर्निंग में किसी भी टाइम जो नोट्स आप बनाए हैं उसी में इसको आप पर डे आधा घंटे आप निकाल करके 30 मिनट मेरे को दे दीजिए और आप पर डे इसको पढ़ते रहिए, तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में कोई डाउटनेस नहीं रहेगा और जब भी कभी आपसे कोई भी एग्ज़ाम होगा, कोई भी टेस्ट लिया जाएगा, तो आप सभी उस टेस्ट में एग्ज़ाम में अग्रणी रहते हैं, हमेशा आप अव्वल रहेंगे, आगे रहेंगे, यही हमारी विचारधारणाएं होती है। और हम इसीलिए ही आपके लिए तत्पर हुए हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ऐसे रहें कि जान लीजिए कि उन हमेशा वो सूर्य की तरह पृथ्वी पर चमकते रहें, यही हमारी आपसे जान लीजिएगा एक सलाह है, रिक्वेस्ट है, जो आपके फ्यूचर को आगे अच्छा बना सकती है। और एक चीज़ मैं आपको फिर से आज सबको बता रहा हूँ जो सबसे ज़रूरी है, आप पढ़ रहे हो अपने साथ ठीक ठाक है, आप अपने को पढ़ रहे हो ठीक ठाक है, लेकिन हम ये जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ से हम पूरी दुनिया में, पूरी विदेश में, कई राज्य में, अपने यूपी की ही बात मैं नहीं करता हूँ, कई राज्य हैं जैसे झारखंड है, मध्य प्रदेश है, कई राज्यों में भी जहाँ जहाँ पे भी इस बोर्ड के बच्चे हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न ही ऐसे है, तो
तो वो सब इस एजुकेशन से क्या हो सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो आपसे बस इतना ही हम चाहते हैं कि अगर आपके संपर्क में कोई बच्चा है, चाहे आपके संपर्क में हो या आपके रिलेशन में हो, कहीं पे भी हो, तो उन्हें इस क्लास के बारे में बताएं। ये आपका काम भी थोड़ा सा है मेरे लिए, जान लीजिए, इसको थोड़ा सा करने का प्रयास करें, उन्हें भी किसी भी माध्यम से जहां तक हो सके, ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जान लीजिए ऐसे, जहां तक आपसे हो सके उन्हें भी थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए, ताकि वो लोग बच्चे भी पढ़ लें, नहीं तो कल आपके साथ जब रहेंगे वो भी कभी एग्जाम देंगे तो आपको भी जानते रहेंगे कि इस बच्चे ने हमारी हेल्प किया था जिसके कारण हम आज पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़ने वाले हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपना कार्यक्रम बनाए रहिए और हम मिलते हैं फिर आपको एक नई क्लास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं पर डे, उसे आप अच्छी तरीके से ग्रहण कर रहे होंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।